हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएफ एंसिलरी टेक्समैन 2019 से रिलेटेड आप लोगों के डाउट्स, जो आप लोगों के आ रहे थे कि सर मेरे को ऐसा जानना है कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, सर मेरे को जानना है कि हमारे मार्क्स कितने आए थे टेट टेस्ट और आपके रिटर्न एग्जाम में। बहुत से कैंडिडेट को प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको मार्क्स भी पता नहीं चले, तो ऐसा जानने का उनका मन है। एंड इसके साथ साथ बहुत से कैंडिडेट का कहना है कि सर मेरा तो टेट टेस्ट भी क्वालिफाई था, मेरा रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई था, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, बट मेरे को मेडिकल के लिए क्यों नहीं बुलाया। किसी किसी का कहना है सर मेरे कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स थे, बट फिर भी मेरे को मेडिकल के लिए नहीं बुलाया है। इसका मेरे को रीजन जानना है, आखिरकार क्या कारण हुआ कि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत थी, या फिर कोई अदर रीजन, मेरे को यह जानना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसी के चलते आईटीआई लगाया था, जैसे कि बोला था सर मेरा आईटीआई लगा दीजिए, तो मैंने आपका आईटीआई फिल किया था, जो कि आप लोगों का आईटीआई सक्सेस हुआ है। तो उन कैंडिडेट के मैं यहाँ पर नाम बताने वाला हूँ, हालांकि मैं यहाँ पर कुछ ही नाम बताऊंगा, सारे नाम बताऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे अगली स्लाइड में, और बात करते हैं उस कैंडिडेट की जिसका आईटीआई लग चुका है, सक्सेसफुल हो गया है। अब दोस्तों, मैंने आपको 22 तारीख को बोला था, ऐसे कमेंट आ रहे थे सर मेरा आईटीआई लगा दीजिए, तो ये 22 तारीख की बात है। जिन जिन कैंडिडेट के नाम मेरे पास आए थे उनका सक्सेसफुली हो गया था आईटीआई, और मैंने उनको बाकायदा ईमेल आईडी पर सेंड भी कर दिया था मैसेज उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन कुछ कैंडिडेट का कहना था सर प्लीज आप वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराइए। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहले नाम निकल के आता है, किसका नाम है, जितेंद्र कुमार सैनी। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जितेंद्र कुमार सैनी जी का आईटीआई योर आईटीआई रिक्वेस्ट फील्ड सक्सेसफुली, ऐसा आप देख पा रहे होंगे। और आपका यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है, जिसमें आपका नोट कर सकते हैं ECRLY/R/E यहाँ पर 20/00938। ये क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसको नोट कर लें। ओके, आप इससे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप थोड़े और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट रेफरेंस दिया है, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस आपका जो है सक्सेस है, और आपका जो रिक्वेस्ट फील्ड विद ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। ओके, और दोस्तों कुछ चीजें यहाँ पर जो है मैंने हाइड की है, चूंकि यहाँ पर एक प्राइवेसी रहती है, हम पब्लिक नहीं कर सकते। आपका कॉन्टेक्ट नंबर है बाकायदा आपको पता होगा, आपका ईमेल आईडी है आपको पता होगा, ये सारी चीजें हैं, और आपकी डेट फिलिंग जो है 22/6/2020। तो चलिए, ये तो हुआ किसका, ये हुआ दोस्तों आपके जितेंद्र कुमार सैनी का। चलिए हम नेक्स्ट पर्सन का और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको लेकर आ गया हूँ अगली स्लाइड में, जहां पर हम बात कर लेते हैं एक और नेक्स्ट पर्सन की, जिसका नाम क्या है, आप देख सकते हैं पुलक मंडल। जी हाँ दोस्तों, पुलक मंडल जी का भी कहना था सर मेरे को मेरे मार्क्स चेक करने हैं कितने आए हैं, और मेरे को यह पता करना है कि मेरा सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को मैंने बाकायदा उनके क्वेश्चंस में लिखा है और इसका जवाब मांगा है। और एक और पर्सन था जिसका ज्वाइनिंग से रिलेटेड था, ज्वाइनिंग कब होगी, उसका भी आईटीआई लगा दिया है, हालांकि उसका मैं यहाँ पर नाम नहीं बताने वाला, चूंकि उसने बोला था तो मैंने उसका मैसेज वगैरह ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है पुलक मंडल जी, और यहाँ पर डेट एग्जाम है, यहाँ पर मतलब कि डेट ऑफ फेलिंग है इनका, क्या सक्सेसफुल हुआ है 22/6/2020 को ही। और इसके साथ साथ यहाँ पर इनका रेफरेंस पेमेंट रेफरेंस नंबर जे है, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट फिलिंग विद ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, और यहाँ पर इनका टेलीफोन नंबर था जो मैंने हाइड कर दिया है, और ईमेल आईडी भी हाइड हो गया है। कुछ चीजें हैं जो प्राइवेसी के चलते हमको हाइड करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे वो कैंडिडेट जिनका मैंने अभी यहाँ पर लगाया है और बताया है, और कुछ हैं जिनको डायरेक्टली ईमेल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं कि सर मेरे को भी अपने मार्क्स चेक करने हैं, रिटर्न के हों या फिर टेस्ट के हों, या फिर मेरे को जाना है किस वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया है, चूंकि मेरे मार्क्स ज्यादा आए थे, मेरा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी सब कुछ अच्छे से हुआ है, और आपको पता नहीं है कि आखिरकार मेरा सिलेक्शन क्यों रुक गया है, मेरे को मेडिकल के लिए क्यों नहीं बुलाया। तो दोस्तों, इसके लिए आप एक ही काम कर सकते हैं, जिसका नाम है आरटीआई, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, या यूं कहें कि सूचना का अधिकार 2005, जिसके तहत दोस्तों आप हर एक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ले सकते हैं डायरेक्टली,
हर एक चीज पूछ सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, किस वजह से अभी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, आपके मार्क्स कितने थे, हर एक इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आप यदि चाहते हैं कि आपका भी आईटीआई लगे तो आप दोस्तों जाना होगा आपको क्या, या तो आप सेल्फ से भी लगा सकते हैं, या फिर चाहते हैं सर मेरी आईटीआई लगा दीजिए, मैटर तैयार कर दीजिए, तो आपको जाना होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक होगी क्या आरपीएफ एंसिलरी टेस्टमेंट 2019 आपकी आईटीआई रजिस्ट्रेशन लिंक। आप उस पर जाएंगे, पेमेंट करने के बाद आपको विंडो शो होगी, जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको लिंक मिलेगी। डाउनलोड करने के बाद लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको सारी डिटेल्स भरनी होगी, मैंने बताया है, चलिए एक बार और बताता हूँ शॉर्ट में। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको लेकर आ गए हैं उस फॉर्म पर जहाँ पे आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आईटीआई के लिए देनी होगी, मतलब कि यदि आपको आईटीआई लगवाना है तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी, तब आपका आईटीआई लगेगा। दोस्तों, जो आपका पेमेंट का प्रोसीजर है, मतलब आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, नीचे आपको सबसे पहले लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे तो पेमेंट का जो प्रोसीजर है, मतलब पेमेंट आपको कैसे करना है, आपको इस लिंक तक कैसे आना है, इस पेज तक, तो आपको यह वीडियो देखना है तो आपको जाना होगा वीडियो के लास्ट तक, या फिर यहाँ पर कॉर्नर में एक आई बटन का साइन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, देख लेना कैसा क्या पेमेंट करना है। जैसे दोस्तों आप पेमेंट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो आपके पास एक लिंक आएगी, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले वहां पर ईमेल मांगा जाएगा, आपको ईमेल यहाँ पर डाल देना है। ओके, आपको वही ईमेल डालना है जिसको जो आपका बिल्कुल मतलब कि एक्टिव हो, चालू हो, जिस पर आपको रिप्लाई के रूप में आपका आईटीआई का जवाब आ सके, बंद ईमेल नहीं डालना। ओके, जैसे आप ईमेल डालेंगे तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और जानकारी देनी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है आपका नाम क्या है। जैसे मैं यहाँ पर नाम डालूंगा तो दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि आपका लिंक क्या है, मतलब कि आपका जेंडर मेल है फीमेल है आपको डाल देना है। आपसे यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है आपका पता क्या है, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, सिटी, पिन, एक्स वाई जेड, हर एक चीज। इसके बाद आपसे स्पेशली पिन पूछेगा तो आपको पिन डालना है। स्पेशली आपसे कंट्री पूछेगा, अदर कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो नहीं डाल सकते, ओनली इंडिया। ओके, तो आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर राज्य पूछेगा, स्टेट आपका, स्थिति ग्रामीण है या शहरी। अब आपको यहाँ पर ग्रामीण और शहरी में, या तो आप शहरी हैं तो शहरी डाल दें, ग्रामीण है तो ग्रामीण डाल दें, आपको यहाँ पर नाम डालने की जरूरत नहीं है आपके गांव का कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डालना है आपका कॉन्टेक्ट नंबर, फोन नंबर, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर आईटीआई अनुरोध के लिए आवेदन पार्ट, मतलब कि आप क्या क्या पूछना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपसे इंग्लिश आती हो नहीं आती हो आप कैसे भी लिख सकते हैं, मैं उसको अच्छे से यहाँ पर अच्छे तरीके से सिस्टम से जमा के और सेंड कर दूंगा। ओके, आप जो जो पूछना चाहते हैं बस इतना डाल दीजिए, है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा आपको एडमिट कार्ड के पहले पहले। देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, आपका जो रोल नंबर हो। इसके बाद आपको एग्जाम डेट डालनी है, और हो सकता है तो आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर डालना है। इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों आपको एक सबमिट का साइन आ रहा होगा नीचे, सबमिट पर क्लिक करना है, आपकी पूरी जानकारी हमारे पास आ जाएगी। जैसे ही आपकी जानकारी आएगी आपका आईटीआई फिल कर दिया जाएगा, आप टेंशन ना लेना। तो फ्रेंड्स, बस यही सब इन्फॉर्मेशन आपसे बताना चाहता था जो मैंने बता दी है। यदि आप भी चाहते हैं आईटीआई लगाना तो ये सारी क्रिया आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। और एक चीज दोस्तों, यदि आप करते हैं तैयारी बिहार SI, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश SI, या फिर आप किसी भी स्टेट SI की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती हो, तो दोस्तों आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं हिंदी की, जो कि पर डे मॉर्निंग में 8 बजे होती है। अभी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं MCQ टाइप के, जिसमें हम करीबन 10 क्वेश्चंस लेते हैं और 10 के 10 क्वेश्चन पर डे करते हैं। आप चाहें डिटेल्स में आपकी क्लास हो तो डिटेल्स में भी ला सकते हैं, बट यदि आप चाहते हैं आप ITBP से बिलोंग करते हो, आप CISF की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें हिंदी आती है, तो दोस्तों हिंदी की तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। ओके, और आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कमेंट से जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई जहां तक होगा पॉसिबल बिल्कुल देंगे, बाकायदा देंगे। और ओके फैंस, आप लोगों की जो ज्वाइनिंग की बात है तो ज्वाइनिंग जल्दी आप लोगों की होने वाली है, चूंकि आपको पता होगा जो रेलवे है उसमें आए दिन ज्वाइनिंग हो रही है, कभी आपके अलग ALP वालों की हो रही, कभी किसी की हो रही, कभी किसी की, तो आप लोगों की ज्वाइनिंग तो हालांकि जल्दी होने वाली है, इस मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ में आपकी ज्वाइनिंग होना तय है।
और भी आपके, लेकिन आप डाउट जो कि डिपार्टमेंट से पूछना चाहते हैं वो आईटीआई के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए लेते हैं फ्रेंड्स आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।